Hello, myself Ram Lovansi. Objective of today's class, we will discuss about abstraction. इसके पहले हमने देखा था encapsulation क्या होता है, polymorphism क्या होता है, inheritance क्या होता है. कोई भी लैंग्वेज अगर इन चार टर्म्स को फॉलो करती है तो आप उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं. फर्स्ट encapsulation, abstraction, inheritance एंड polymorphism. तो इन्हीं चार प्रॉपर्टीज में आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन. इनकैप्सुलेशन बोलता है हाइडिंग नॉन असेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, कि जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए जरूरी नहीं है उसे क्या करो, हाइड करो. अब एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि गिव असेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, कि जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए जरूरी है उसे शॉर्ट फॉर्म या समराइज फॉर्मेट में क्या करें, डिस्प्ले करें. जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका बुक का इंडेक्स पेज है, उस इंडेक्स पेज में दिया रहता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर मिलेगा. ठीक, तो इस तरीके से शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं. एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं. सी प्लस प्लस में जो है एब्स्ट्रैक्शन को हम यूजिंग क्लास इंप्लीमेंट करते हैं और उसके लिए आप यूज करते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन का. तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होगी, प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या वर्क है, उसी बारे में हम देखेंगे. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज शोइंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर बट हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स. इट मीन्स कि आपको क्या करना है, यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन क्या होगी, जरूरी होगी, उसी को क्या करोगे आप, शो करोगे. जैसे हम क्या करते हैं, एटीएम का हम एग्जांपल ले लेते हैं. तो जैसे ही एटीएम पे आप जाते हैं, कार्ड स्विप करते हैं, तो आपके सामने मैसेज आता है सेलेक्ट योर लैंग्वेज. जैसे ही आपने सपोज हिंदी सेलेक्ट की तो आगे के सारे इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगे, हिंदी में. अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट की तो आपके सारे इंस्ट्रक्शन कैसे आएंगे, इंग्लिश में. तो लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है वो आपसे हाइड करके रखा गया है. तो यहाँ पर हाइडिंग द डिटेल्स अबाउट द डेटा इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन जो जरूरी होती है उसी को हम क्या करते हैं, शो करते हैं. अगर आप डेटा को हाइड कर रहे हैं तो हम उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, और जो असेंशियल डेटा है उसको आप शो कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए आगे हम कुछ यूज करने वाले हैं क्लास का कॉन्सेप्ट. ए क्लास इज द एब्स्ट्रैक्ट इफ इट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन. इट मीन्स हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हैं जिसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो. तो यहाँ पर प्योर वर्चुअल कीवर्ड नहीं होता है, वर्चुअल फंक्शन को ही अगर आप जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन. ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस कैन बी स्टेटेड एज द फंक्शन विच इज ओनली डिक्लेयर्ड इन द बेस क्लास. इट मीन्स कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. उसकी डेफिनेशन या उसका इम्प्लीमेंटेशन आप बेस क्लास में नहीं दोगे. एंड इट इज डिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लासेस. इट मीन्स कि उसका इम्प्लीमेंटेशन या डेफिनेशन आप कहाँ पर देंगे, जिस भी क्लास में आप उसको इनहेरिट करते हैं या जिस भी क्लास में आप क्या करेंगे, उसको डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, उसमें आप उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. इन सिंपलर वर्ड्स, इट कैन बी स्टेटेड एज द फंक्शन विच आर ओनली डिक्लेयर्ड एंड इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द बेस क्लास, दोज फंक्शन आर नोन एज वर्चुअल फंक्शन. Now coming to abstract class, it is a kind of class that has at least one pure virtual function is known as abstract class. In other words, if we only declare the function in the base class and doesn't write the implementation in the base class, and we use derived classes for writing an implementation of the declared function, then that class is known as abstract class. ठीक, इसके बारे में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, हर एक क्लास में आप क्या करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं. फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट हैव
ऑब्जेक्ट, लेकिन जो भी क्लास उसको इनहेरिट करती है वो उसका रेफरेंस रख सकता है। टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट हैव अ प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन। सो यहाँ पर वर्चुअल क्लास लिखा है ना, वर्चुअल फंक्शन। वी कैन यूज पॉइंटर एंड रेफरेंस टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप इफ वी डोंट ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हो तो कंपल्सरीली जो प्योर वर्चुअल फंक्शन आपने वहां पर डिक्लेयर किया है उसकी डेफिनेशन देना आपको कंपल्सरी है। अगर आप उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे तो चाइल्ड वो आपकी जो ड्राइव्ड क्लास होगी उसमें कंपाइल टाइम पे एरर देगा। तो इफ वी डोंट ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास देन द ड्राइव्ड क्लास ऑल्सो बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आप चाहते हो भाई आप वहाँ पर उसका डेफिनेशन नहीं देना चाहते तो फिर आपको चाइल्ड क्लास को भी क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे कि भाई प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले एक क्लास विथ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसको हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फंक्शन इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पर देखिए फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसी को अगर आप जीरो से इनिशियलाइज कर देते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। इट मीन्स यहाँ पर आपने सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उसकी डेफिनेशन आप कहाँ देंगे, जो भी क्लास उसे क्या करेगी इम्प्लीमेंट इनहेरिट करेगी वहाँ पर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। किस नाम से देंगे, जिस भी नाम से आपने फंक्शन बनाया। इट मीन्स सिंपल वर्ड में अगर हम बोले अभी तक जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा है उसमें किसी भी मेथड को ओवरराइड करना ऑप्शनल होता था, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे एरर देगा। इज इट क्लियर। अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज मार्क्ड विद अ वर्चुअल कीवर्ड एंड हैज इक्वल टू जीरो आफ्टर इट्स सिग्नेचर। यू कैन कॉल दिस फंक्शन एन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एज इट हैज नो बॉडी। The derived class must give the implementation to all the pure virtual function of parent class, else it will become abstract class by default. It means कि यहाँ पर देखिए भाई क्या होता है कि अगर आपने abstract class को inherit किया है तो उसके अंदर जो pure virtual function हमने बनाया है उसका implementation देना compulsory है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको implementation नहीं देना है तो फिर आपको उस class को भी क्या करना पड़ेगा, abstract declare करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब सिंपल वर्ड में अगर हम देखें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन होता है, ठीक। और जो क्लास उसको इनहेरिट करती है उसी क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, आरजीपीवी क्या है, यूनिवर्सिटी। वो सिर्फ क्या करती है, रूल्स बनाती है। जैसे आरजीपीवी ने बोल दिया भाई मुझे हर एक कॉलेज में क्या करना, क्या चाहिए, लैब चाहिए। तो आरजीपीवी का रूल है जो भी कॉलेज उससे एफिलेटेड होंगे या एफिलेटेड होंगे वो सारे के सारे कॉलेज उस रूल्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन का। तो सपोज हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, आरजीपीवी। एक फंक्शन डिक्लेयर किया वर्ल्ड लैब और यहाँ पर इसके साथ वर्चुअल लगा दिया और इसको जीरो से अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। इट मीन्स इस आर जी पी वी क्लास को जो भी क्लास इनहेरिट करेगी कंपल्सरीली उसको लेब नाम से जो मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। सपोज हमने एल एन सी टी क्लास में इनहेरिट किया तो एल एन सी टी की अलग से खुद की लेब होगी, और अगर आपने ओरिएंटल में इनहेरिट किया तो ओरिएंटल की अलग लेब होगी, ठीक। अब एल एन सी टी की जो लेब होगी वो एल एन सी टी कॉलेज के स्टूडेंट उसे यूज कर सकते हैं, ओरिएंटल की जो लेब होगी वो आप ओरिएंटल के स्टूडेंट उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यही होता है कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। तो यहाँ पर जैसे अगर लैब एल एन सी टी ने बनाई है तो एल एन सी टी क्या करेगा, उसको यूज कर पाएगा कोई अदर को। तो यहाँ पर जो आर जी पी वी क्लास आपने बनाई है जो भी क्लास उसको इनहेरिट करेगी कंपल्सरी उसे इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंटेशन में देखिए क्लास एल एन सी टी पब्लिक आर जी पी वी, यानी कि एल एन सी टी किसको इनहेरिट कर रहा है, आपका आर जी पी वी को अब यहाँ पर आपने
यूर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, अ चाइल्ड क्लास कैन हैव इट्स ओन मेथड, यानी कि जो लेब मेथड है इसके अलावा चाइल्ड क्लास की खुद की भी मेथड्स हो सकती है, वो आपका ऑप्शनल होता है, आपको बनाना हो बना सकते हो, नहीं बनाना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड है कंपल्सरीली उस नाम से मेथड होना चाहिए। अगर आप नहीं बनाओगे तो कंपाइल टाइम पे वो एरर देगा। तो यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन देखी, भाई जब भी आप डेफिनेशन देंगे, एक और चीज जो वर्चुअल कीवर्ड है आप हमेशा बेस क्लास में यूज करेंगे, चाइल्ड क्लास में आपको वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं करना। डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न टाइप मेथड का नाम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैब बाय एलएनसीटी, ठीक। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और ड्राइव एलएनसीटी क्लास को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट। अभी मैंने बोला कि कभी भी हम आरजीपीवी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो डेफिनेशन ही नहीं है। यह सिंपल वर्ड में अगर हम बोले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो क्लास उसको इनहेरिट करती है वो उसका रेफरेंस रख सकती है। अब रेफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सपोज हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया आरजीपी, पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया आर, और एलएनसीटी का नॉर्मल वेरिएबल बनाया डी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी, आर इज अ पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर हमने पढ़ा था, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पर जो आर है वो किसका रेफरेंस रख रहा है, जो एलएनसीटी का ऑब्जेक्ट है उसका। तो यहाँ पर ये जो आर है इसके पास किसका रेफरेंस है, एलएनसीटी का। अब देखिए, जैसे हमने सी में भी पढ़ा था, अगर आप स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर या ऑब्जेक्ट विथ पॉइंटर हम यूज करते हैं तो मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के रूप में डॉट के प्लेस पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे आर एरो लेब, इट मीन कौन सा मेथड कॉल होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेब बाय एलएनसीटी। अगर आप यहाँ पर सपोज एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओरिएंटल का, सपोज ओरिएंटल में भी हमने आरजीपीयू को इनहेरिट किया, फिर ओरिएंटल के रेफरेंस के थ्रू आप किसको कॉल करते, लेब को, तो ओरिएंटल का इम्प्लीमेंटेशन मेथड क्या होता है, कॉल होता है। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सपोज मैंने पहले इसको कंपाइल किया, ठीक, कंपाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जैसे ही आप रन करते हैं तो देखिए आपका मैसेज आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेब बाय एलएनसीटी। सपोज मैंने एलएनसीटी में लेब के प्लेस पे सिर्फ क्या लिख दिया, लेब वन, तो ये आपका कंपाइल टाइम पे क्या देगा, एरर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपने ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है और आपने इसको क्या नहीं किया है, ओवरराइड नहीं किया। तो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल डी टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप एलएनसीटी, कि भाई अगर आपने उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया तो कंपल्सरीली आपको क्या करना पड़ेगा, सेम नाम से मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कंपाइल टाइम पे क्या देगा, एरर। अभी तक जो आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा उसमें मेथड को ओवरराइड करना ऑप्शनल था, लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो कंपल्सरीली मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्शन, क्या था, हाइडिंग नोन सॉरी गिव एसेंशियल डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। तो यहाँ पर देखिए लेब के थ्रू हमने शॉर्ट में बता दिया कि आपको लेब बनाना है, लेब कैसे बनाना है, कितने सिस्टम लगाना है, वो सारा का सारा काम किसका है, जो भी क्लास इसको इनहेरिट करेगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन आपको कहाँ पर देना है, जहाँ पर आप इसको इनहेरिट करते हैं। तो एंड एब्स्ट्रैक्शन में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।